हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनी वी व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह हम बाहर आ गए हैं, तो ये देखिए दूध लगाया जा रहा है और दूध लगा देंगे फिर हम चाय बनाएंगे। ये देखिए कैसे दूध लगाया जाता है। और दूध लगा के ले आए हैं, तो एक दो लोग लेके भी जाते हैं। दूध को नाप के देना होता है, देखिए कैसे नाप के फिर दूध बेचते हैं। और घर का ये प्योर दूध है, बहुत ही अच्छा है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाते हैं, ऐसे ही देते हैं दूध जिसको भी देना होता है। और अब हम आ गए किचन में, तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दिया है, तो पानी अच्छे से उबल रहा है और हम इसमें डालें चाय पत्ती और थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक। और अब हम इसमें डालेंगे दूध, और घर का है, प्योर दूध है, तो चाय बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी लगती है पीने में। तो ये पक गया था तो मैंने दूध डाल दिया है, और अब इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे, अच्छे से चाय उबलने तक इंतज़ार करेंगे। तो ये देखिए चाय हमारी उबल चुकी है और बन के तैयार हो गई है। और घर का जब दूध होता है तो बात ही अलग होती है, उसकी बहुत ही अच्छी चाय लगती है और दूध भी प्योर रहता है। और यहाँ हम बाबू के लिए ब्रेड सेक रहे हैं, बाबू को स्कूल जाना है तो मैंने इसको तैयार कर दिया है, और अब ब्रेड सेक के दे देंगे तो चाय पी लेगा। और ये देखिए छोटे से मटके में मैं चना भिगोया था, तो ये अंकुरित हो गया है। ये चना बहुत ही फ़ायदा करता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो हम इसको निकाल लेंगे पहले। ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं, तो हम इसको अलग कटोरी में निकाल लेंगे। और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में, तो हम इसको अलग कटोरी में निकाल लेते हैं। और अब इसमें हम मिलाएँगे थोड़ा सा काला नमक, और अब इसमें मिलाएँगे कटी हुई एक हरी मिर्च और दो कली लहसुन के। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से चना खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है, तो पहले हम चना खा लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे एक तसले में कंडी जला दिया गया है दूध रखने के लिए, और एक तरफ हम खाना भी बना रहे हैं किचन में, और इधर हमने दूध छान के पतीली में रख दिया है, तो जब आग हो जाएगा तब इसको हम रखेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा जल गया है, तो अब दूध को रख देंगे और फिर हम इसको शाम तक रखा रहने देंगे, अच्छे से पक जाएगा दूध, लाल हो जाएगा अच्छे से। और ये देखिए लंच हमारा बनके तैयार हो गया है, चावल और आलू टमाटर की सब्ज़ी, उबले हुए आलू के, ये देखिए एकदम चटपटी सी तीखी सी सब्ज़ी, बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने बनाया है कच्चा साग, तो ये मूली का पत्ता है और इसको कट करके और फिर इसमें चटनी और तेल मिला के रख लिया है, और ये है मूली। और ये देखिए हमने अपना लंच की थाली लगा लिया है, तो हम पहले लंच कर लेंगे। सब्जी चावल और कच्चा मूली पत्ते का साग है, अचार है आंवले का और मूली है, तो लंच कर लेते हैं। और ये देखिए मेरे आंगन में जो करेले का पेड़ लगा हुआ था वो सूख गया है, उसको कीड़े खा गए हैं, तो उसमें फल नहीं लगेगा, और दो करेले लगे हुए हैं तो उसको हम तोड़ लेंगे, और ये जो पेड़ है इसको हम हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि ये बिल्कुल सूख गया है, इसमें ना फल होता है ना फूल होता है। तो ये देखिए जो लगे हैं करेले वो भी ख़राब हो जाएंगे, तो हम इसका जो पेड़ है वो जड़ से उखाड़ के और फेंक देंगे। और जो ये तुलसी का पेड़ है ये भी सूखा जा रहा है, पता नहीं क्यों सूख रहा है, बड़ा हो गया है लेकिन सूखा जा रहा है ये भी। तो ये देखिए मैंने करेले तोड़ लिए हैं, तो दो
थोड़े से बड़े हैं और ये बहुत ही छोटा सा है, ये देखिए। तो हम इसका चोखा बना के खा लेंगे या फिर कच्ची चटनी इसका पीसेंगे। और ये देखिए दूध गर्म हो गया है, बहुत ही मोटी सी अच्छी सी मलाई है ये देखिए। तो हम इसको उठा के रख देंगे और ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें दही डालेंगे दही जमाने के लिए। और आज हम बनाने जा रहे हैं केले के चिप्स। तो ये बढ़िया हरा ताज़ा केला है और हम इसका चिप्स बनाएंगे। तो इसको हम पहले कट कर लेंगे छील के। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से कट कर लिया है पतला पतला सा। और कट करने के बाद हमने इसको पानी में डाल दिया है। पानी में डालने से केला काला नहीं होता है, तो इसीलिए काटते रहिए और इसको एक एक करके पानी में डालते रहिए। और हमने लिया है थोड़ा सा है चावल का आटा और थोड़ा सा है बेसन, और दोनों आधी आधी कटोरी है। तो हमने इसमें डाला है आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच से भी कम गरम मसाला और डेढ़ छोटी चम्मच नमक। और अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच हरी धनिया की चटनी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है, कुछ इस तरीके से है, ना बहुत पतला है ना बहुत गाढ़ा है। और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। और प्लीज़ पूरा देखिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यह मैंने कढ़ाई गैस पर रख दिया है और गर्म हो गई थी कढ़ाई, तो हमने इसमें ऑयल डाल दिया है और ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब इस बैटर में हम केले के चिप्स को डाल देंगे और इस तरीके से इसको हम अच्छे से डिप कर देंगे। और डिप करने के बाद हम ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे फ्राई होने के लिए। और ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है, तो हम इसमें एक एक करके चिप्स डाल देंगे, जितना तेल में आएगा उतना डालेंगे। और हम इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसको पलटेंगे। और अब इसको हम पलट देंगे, दूसरी साइड भी हम अच्छे से फ्राई हो जाने देंगे। और केले के चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर इसमें थोड़े से चावल के आटे अगर मिले हो ऐसे ही जैसे मैंने बनाया है, इस तरीके से बना के खाएंगे तो बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए चिप्स हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और केले के चिप्स बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी बने हैं, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम इसको निकाल लेंगे और अब हम चाय पियेंगे। ये देखिए कुरकुरी सी केले की चिप्स और चाय, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मज़ा आने वाला है खा के। तो हम चाय पी लेंगे और उसके बाद में हम डिनर की तैयारी करेंगे। और ये देखिए मैंने अपना प्लेट लगा लिया है, तो डिनर हमारा बनके तैयार हो गया है। और डिनर की मैंने कोई भी रेसिपी शूट नहीं किया है, तो अब हम डिनर कर लेते हैं। तो हम डिनर कर चुके हैं और ये है थोड़ी सी दही जौन लगाने के लिए। तो दूध में हम दही को डाल देंगे और हम इसको रख देंगे, रात भर ये रखा रहेगा, सुबह दही मथी जाएगी और ये अच्छे से जम जाएगा। ये देखिए तो हमने इसमें दही डाल दिया है और अब इसको हम ऐसे ही थोड़ा सा हिला देंगे कि पूरे दूध में जो दही है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसको हम ढक के रख देंगे और मैं अपना ब्लॉग यहीं करती हूँ। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।